हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है वहाँ पे सारा जल रुका हुआ था। तो देखने की बात ये है कि वो स्टार्ट हो गया दोबारा से आने के बाद। जो मैं तुझसे बोलता हूँ वादे, ऐसे ऐसे फेक वादे करते कि हम कैंपिंग जाएंगे। कैंपिंग का तो बोला ही कैंपिंग जाएंगे, हम कहीं ऊपर घूमने जाएंगे। खड़े मेरे भाई यूपी 12 वाले लौंडे कर देंगे ये सुताई। मिला शहर से प्यार भरू खून से सिहाई, मुजफ्फरनगर की ना होड़ होवे भाई भाई। भैया मैं तो जा रहा हूँ इस शहर से क्योंकि इस शहर में हर दिन हो रही है शादियाँ। मेरे साथ वाल होगी हर किसी की, जिसे देख जिसे देखो वो डाल रहा है, इसे जयमाला इसे डाल रहा है, वो से डाल रही है। इसके भी साथ वालों की जैसे कि एग्जांपल एक आदमी बचा है, मतलब देखा ना स्टेटस स्कूल वाले जो थे सबकी होगी। हाँ किसकी कुछ नाम तो बताएगी, आप नहीं जानती आपके आदमी हुआ। बाकी शहर में बाहर को निकलो शाम के टाइम, जहाँ देखो बारात। आई मैं इधर जाती हूँ ना घूमने रात भावना, ये कमला फार्म चार पांच वेन्यू है यहाँ, मयूर महल से लेके कमला तक, भावना हरी वृंदावन क्या है सब में। इधर छोटे वाले भी खुल गए इधर साइड में, सब रात को हाउसफुल है। हाउसफुल है यार, सुनने में आया कि इस बार 4 लाख कुछ हजार शादियां हो रही हैं इस पूरे जो साइज का सीजन है वाला। 4-4.5 लाख शादियों के बावजूद भी तुम्हारा भाई बच गया है ना, बढ़िया तुम्हारा है फिर भी भाई बच गया, सेव्ड। आई एम सेव्ड फ्रॉम दिस वेव वेव ऑफ शादी, तो इसलिए मैं तुम्हारे जा रहा इससे पहले कि मेरी मम्मी पकड़ के मेरा ब्याह करवा दे। पता नहीं शादी नहीं करता नहीं करता भाई, अभी सही समय नहीं है दोस्त। चलो करेगा नहीं करेगा, वैसे करना तो है सही टाइम वाला पे करेगा। अच्छा टाइम है नहीं है। नमस्ते राम राम। तो उसमें मतलब कुछ थोड़ा आइडिया देंगे आपकी कितना टाइम, अभी साल डेढ़ साल कुछ पता नहीं। जब कोई सही इंसान आदमी प्रिपरेशन करेगा ना दूसरे घर वाले, जब कोई सही इंसान मिलेगा कमरा उम्र तैयार करेगा, मतलब एक साल डेढ़ साल सही इंसान मिल जाए। मैं निकल गया हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ भाई कोटद्वार, क्योंकि वहाँ पे जो मेरा दोस्त सुरेश वो रहता है थोड़े आउटर एरिया में, तो वहाँ पर शादी ब्याह की ना आवाजें आएंगी और ना वहाँ कोई बातें होंगी ऐसी शादी ब्याह की, यहाँ से भाग के वहाँ जाना पड़ रहा है। खैर मजाक की बात अलग है। अरे 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 बहुत तेज ला रहा है बत्तख को। मजाक की बात अलग है भाई, बात यह है कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आपने देखा होगा जो लोग मुझे देखते हैं रेगुलर या कभी कभी भी देखते हैं घर जो, कि मैं कि 1.5-2 महीने में मेरा चक्कर लगता ही है वहाँ का सुरेश के वहाँ का, और इस बार भी ऑलमोस्ट 2 महीने हो गया और 4-5 दिन में 2 महीने हो जाएंगे। जब मैं 2 महीने पहले गया था शादी में अपने भाई की कालू की, प्लान बना है वहाँ जाने का। प्लान ये है कि कुछ थोड़ा साथ है, मैंने कहा कुछ करते हैं भाई, कब तक हम ये ब्लॉग बना बना के आपको बोर करते रहेंगे, तो मैंने कुछ करते हैं साथ में, तो कुछ प्लान सोचा है। बाकी देखते हैं कितना एग्जीक्यूट होगा, अभी ज़्यादा नहीं बोलता इस बारे में क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बोल तो हम देते हैं पर वो पता नहीं, इसलिए इस बार फॉलो करेंगे वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट द सक्सेस मेक नॉइस वाली जो पॉलिसी है। बाकी रास्ता चूज करूंगा मैं जाने का भैया, एक रास्ता होता है बेकार वाला, ये नजीबाबाद वजीबाद वाला जो होता है ये बेकार है। मैं जाऊँगा पहले हरिद्वार हाईवे टू हाईवे, हरिद्वार से फिर पकड़ेंगे हम एक और हाईवे, वो हो जाएगा मैं कोटद्वार। रास्ते में पड़ेगा हरिद्वार, तो इसलिए हमें एक चीज चेक करनी है, एक इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे आपको, अपने आप भी लेनी है। और कि लास्ट टाइम मैंने चेक करा था तो मैंने वीडियोस देखी थी, तो हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है वहाँ पे सारा जल रुका हुआ था वहाँ पे साफ सफाई के लिए। तो देखने की बात यह कि वो स्टार्ट हो गया दोबारा से, अगर हो गया है तो फिर वो जल है कैसा, कितना साफ कितना गंदा, क्या सफाई हुई है, और नहीं हुआ तो वो भी आपको बता दूंगा। तो ये इन्फॉर्मेशन रास्ते में आपको देते हुए निकलेगा भाई। बाकी अभी तो मैं अपने शहर से निकला हूँ, ये हो गया अपना विश्वकर्मा चौक, समय हो रहा है 2:56 यानी कि 3 बज गए, जहाँ तक 6:30 तक पहुँच जाऊंगा। भाई जो भी ये बन रहा है ना, जो भी मंदिर बन रहा है देखो जरा, ओए होए होए क्या शानदार लग रहा है भाई, क्या प्यारा लग रहा है भाई, कसम से जो भी बन रहा है ना भाई, ये देखने लायक होगा बनने के बाद, इसमें आएंगे इसका ब्लॉग बनाएंगे पूरा, क्या बढ़िया सुनहरा प्यारा लग रहा। बाकी एंट्री हो चुकी है अपने हरिद्वार में, सामने देखो हल्के हल्के पहाड़ दिख रहे होंगे, वो ऊपर पहाड़ दिख रहे हैं हल्के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही खतरनाक सेल चल रही है, उसके बारे में जान लो समझ लो क्योंकि बहुत काम की चीज है फिलहाल। मिंत्रा एक ट्रस्टेड ई कॉमर्स वेबसाइट जहां पर आप शॉपिंग करते होंगे, अगर नहीं करते हो तो अभी जाके आप भाग के करोगे, क्यों, क्योंकि भाई मिंत्रा पे चल रही है 60% ऑफ, और ठंड आ चुकी है अभी, मैं हाफ टी शर्ट में घूम रहा हूँ पर समय आ चुका जैकेट वाला, जैकेट ही रखी है मेरी। तो अगर आपको सर्दी की शॉपिंग करनी है कपड़ों की तो अभी जाओ मिंत्रा.com पे, और इनफैक्ट सर्दी क्या देखो एथनिक वेयर पे, एक्टिव वेयर पे, वेस्टर्न वेयर पे, और तो और जो वॉचेस हैं, जो ग्रूमिंग किट है, ब्यूटी मेकअप पे, सब पे चल रहा है 50-60% तक का ऑफ। तो अभी जाओ मिंत्रा.com पे और इस सेल का फायदा उठाओ, और
मस्त दबा के शॉपिंग करो। बाकी रही बात मेरे आंख की अपडेट की, हाँ जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मेरे आंख में कुछ लोग कह रहे थे कि आई फ्लू हो गया या अंजनी आ रही अंजली आ रही, पता नहीं क्या बता रहे थे, तो वो सब नहीं था, एक छोटा सा पिंपल था वो निकला था, और जो मैं कह रहा था ना कि इतना ही रहे बस थोड़ा ठीक हो जाए, तो मैंने दवाई ववाई खाई तो वो इतने में ही हो गया ठीक, मतलब अब ठीक हो रहा है धीरे धीरे, जितना था उससे बढ़ा नहीं उल्टा कम हो रहा है, तो आँख की रिपोर्ट ओके की है, अब हमें नई आँख लगवाने की जरूरत नहीं है। बाकी अब आपको देते हैं भैया अपडेट हर की पौड़ी वाली। भाई जी खुश खबरी है कि जल आ चुका है पूरा भर भर के, ये देखो सामने ओम वाला पुल, और क्या प्यारा और क्या साफ जला रखा है, देखो क्या साफ जला रखा है भाई, बहुत बढ़िया। तो भैया खुशखबरी की बात है कि जल आ चुका है, तो आप आ सकते हो गंगा स्नान के लिए। तो देखो देखो कितना साफ जल है भाई, कितना साफ, ये देखो वाह जी वाह, बहुत साफ जल है इस बार, अच्छा हुआ कि सफाई हो गई, मतलब ये सफाई होने के बाद का मजा है, क्या साफ जल है भाई शानदार। ये देखो पानी आया तो आया, और क्या सुंदर पानी आया, क्या साफ पानी, मतलब मजेदार, इतना साफ तो मैंने इसको पता नहीं कब देखा लास्ट टाइम। मेरा ही मन करा कि एक बार तो डुबकी बनती है इसमें, बट अभी मैं ऑलरेडी लेट हूँ, कोई नहीं जल्दी आएंगे एक बार दोबारा से हरिद्वार, पर मेन बात यह है कुछ खबर की कि तुम आ सकते हो अपने गंगा स्नान के लिए। और वैसे मुझे अच्छी लगी चीज, क्योंकि मुझे आज से पहले पता नहीं था कि ऐसे जल रोकते भी हैं, मुझे ये बात पता चली लास्ट मंथ, तो मुझे इसी अच्छी लगी कि भाई ऐसे रोक के साफ सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ही लोग हैं जो बहुत गंदा करते हैं, हम पता नहीं उसमें क्या क्या फेंकते हैं, क्या क्या हम सलाते हैं, सब चीजें जो है वो सही नहीं है, बट चलो सरकार अपना काम कर रही है कि उन्होंने उसको रोक के साफ कर दिया पूरा, बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसा कर दिया। बाकी मैं पहुंचता हूँ फिलहाल, ये है अपना चंडी पुल से पहुंचता हूँ मैं, सामने चंडी देवी ऊपर वहां पे मैं पहुंचता हूँ यहाँ से भैया सीधा कोटद्वार। ये देखो क्या एंट्री मारी है, जस्ट पहुंचाऊंगा अभी, और आगे जो ये वो आया है जो ट्रैवलर टाइप का जो भी है, इसमें एक लौंडा दिख रहा होगा साइड में, ये अपना ही लौंडा है, ऐसी टाइमिंग सेट बैठी कि दोनों ने साथ में एंट्री मारी, अभी दिखा दो कौन है बदमाश आदमी, खुले नहीं थे उसके पास, तो फिर कैसा करा गूगल पे, तभी टाइम लग गया इतना, दोनों की एंट्री एग्जाम टाइम पे, क्या हाल राम राम, बढ़िया बढ़िया टाइम पे, जस्ट ये मैं आगे खड़ा हुआ था अभी, इतने में विक्की डॉन भी आ गया, तो अपना विक्की डॉन था ये विक्की डॉन, अभी सुरेश तो मिला ही नहीं, सुरेश तो घर पे ही है, और तो बड़े भाई जी जो लोग जानते होंगे जो नहीं जानते होंगे ना वो अब जान जाएंगे, क्योंकि विक्की डॉन नाम चले पौड़ी में, बुलाई दिया आपने, बुलाई दिया भाई, मैं आ रहा हूँ तो फिर तू तो आएगा ही ना, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं नहीं आ रहा था तो मुझे विक्की ने कहा था भाई सब है बढ़िया मजा आ रहा है बस तुम नहीं हो यहाँ पे, तो मैंने नेक्स्ट जाके दिया सरप्राइज, ऐसे फिर मैंने विक्की को बोला विक्की मैं आ रहा हूँ भाई, अचानक बताया ना आपने, हाँ अचानक बताया, पर अचानक मुझे एक्सपेक्टेड था नहीं कि तू आज मान जाएगा, पर भाई ने भाईचारा पूरा निभाते हुए मजबूर कर दिया, हाँ एकदम कहा इसने चलो मैं भी निकलता हूँ, मैं कहा ठीक है फिर चलते हैं, अब चलते हैं स्टूडियो वहां पे देखते हैं लौंडा पहुंचा नहीं पहुंचा अपना सुए ससवाल। इतना सामान क्यों ले आए वाला, ये फ्रूट्स एंड ऑल फ्रूट्स, सॉरी ये सैलेड एंड ऑल, सैलेड खाने में अच्छा होता है ना, किसके साथ, किस चीज के साथ, ये खाने के साथ, अच्छा सॉरी सॉरी खाने के साथ के लिए लाया है, गुड जॉब, सो फाइनली बैक आफ्टर 2 months, मुझे लग रहा है कि हर दूसरे महीने चक्कर है ना मेरा, हाँ लग जाता है, मतलब साल के 6 तो है अपने, और 3 महीने में चक्कर तो है गारंटी, हाँ 3, हाँ 3 भी कभी कभी हुआ 3 पहले, अब तो आजकल वो भी नहीं हो रहा, साल से अलग रहने लग गए तब से हो गया ना, हाँ साल एंड होते होते अब मेरे ख्याल इस साल का लास्ट चक्कर होगा ये, हमेशा की तरह जो आने के बाद जो मैं तुझसे बोल लेता हूँ वादे, ऐसे ऐसे फेक वादे करते कि हम कैंपिंग जाएंगे, कैंपिंग का तो बोला ही कैंपिंग जाएंगे जा सकते वैसे, हम कहीं ऊपर घूमने जाएंगे, हमेशा की तरह ऐसे ऐसे वो करते वादे, जा सकते हैं कैंपिंग, मैं तो कह रहा कहीं थोड़ा ऊपर चलते हैं कहीं और, जैसे मौसम हो रहा ठंडा, ठंडे के मजा लेके आते हैं कहीं, हाँ देखना पड़ेगा ना, पर कहाँ जाना है करते हैं डिसाइड, कहाँ का हो सकता है, पहले जरा घर चले, और आते सबसे पहले मैंने खाया है भाई डोसा, और रेट ना भाई जो मेरे शहर का मुजफ्फरनगर का है सेम ऐसे ही आउटलेट सा है, वो भी ज्यादा बड़ा ना छोटा, पर वहां से महंगा है यार, और टेस्ट पर यहाँ का अच्छा है डोसा के मामले में, तो डोसा में तो तुम्हारा शहर रसमान हो गया, और भाई सबसे मिल ली है विक्की से सुरेश से, मेन लौंडा अपना, इसके ब्याह में आया था मैं 2 साल, वो 2 साल कह रहा हूँ, 1.5 महीना, डेढ़, हाँ डेढ़ महीना हो गया पूरा, कब का था, 18 का था ना, 18 इसका जो आपने देखा हो जब मैं गया था गाँव की शादी में, जिसमें मजा आ गया था एक नंबर गज, ऐसे ही पता क्या चेंजेस हैं लाइफ में, अब तो वो होगा ना कि टाइम से अपना घर,
टाइम से उठना, नहीं नहीं कुछ नहीं है भाई, थोड़ी बहुत चीजें चेंज तो होंगी भाई, शादी एक बड़ी चीज है, थोड़ी बहुत चीजें। हाँ चलिए तो बता दे फिर के 1.5 महीने एक्सपीरियंस में क्या बोलेगा तू ऐसे ऐसे जो लोग वो हैं अभी शादीशुदा नहीं है वो है कुंवारे, क्या राय है करें या ना करें? लो मजबूत भाई मजबूत कर लें, तो बड़ा कुछ लग रहा है यार। अच्छा ये कुछ इसलिए है ना अभी क्योंकि कितना 1.5 महीने तो हुए ना, मैं ये देखना चाह रहा हूँ ना कि जब तुम फंसोगे तो तब मैं तुम्हें देखूंगा। अबे हालत देखो उसकी, हालत दूर से अब क्या हो गया बैटरी वाला पूरे छोड़ी नहीं, पर मैंने नहीं मैंने एक चीज सोची अब वो है ना पहले तो पूरे हाँ पूरे सेट में मैंने भी देखे, पहले क्या होता था हफ्ते में 2 दिन नाई के पास जाया जाता था, अब जरा लुक थोड़ा चेंज ना मैं सोच नहीं चेंज नहीं है पता क्या बाल भी वाले किया एक वाला रबड़ अब पता क्या अब ये कि अब मैं अगर वो रखूं अभी किसे दिखाना, अब तो हो गया ये हो गया, अब तो गेम खत्म हो गया ना भाई जी, खत्म तुम्हारे में पैक हो गया मामला, दिन में साइड से ही होऊंगा ये और भाई सबसे खतरनाक चीज है यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था मम्मी से, आज ही बात कर रहा था मैंने कहा यार मम्मी दिसंबर आ गया ठंड वो वाली है नहीं जो आती है ना हमेशा, और यहाँ पे देखो क्योंकि यहाँ सामने पूरा जंगल है जो मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ, ऐसी ठंडी हवा चल रही है मतलब कि लग रहा है पहन मुझे पहनना पड़ेगा अंदर या तो इंदर या ऊपर पहनना पड़ेगा हुड क्योंकि इससे काम नहीं चल रहा इस जैकेट है, और जबकि तापमान का फर्क है मात्र 2 डिग्री का, मुझे अगर मैं 18 यहाँ है 16 और जहरीली ठंड भाई जहरीली। भाई यहाँ तो खतरनाक ठंड है भाई, बाहर की बात तो अलग थी जो बाहर लग रही मुझे कालू क्योंकि एज कम्पेयर टू मुजफ्फरनगर बहुत फर्क है ना, मेरे लिए मैं धो रहा मसूरी मेन दिक्कत जो मैंने अभी धोया ना तो पानी ठंडा आ रहा ना अंदर से सी हो गई। और सबसे मेन चीज यहाँ की फैंसी चीज जो है फैंसी मतलब जैसे होता है ना स्कूल टाइम में कि भाई हमारे घर में वो नहीं है टीवी गेम, अब की उम्र में गया हमारे घर में प्रोजेक्टर नहीं है तो यहाँ की फैंसी चीज ये है, और चल रही है भाई एनिमल चलेगी आज पूरी टाइम एनिमल के सीन चलेंगे आज। मैटर मेरा कड़ा साथ खड़े मेरे भाई, यूपी 12 वाले लौंडे कर देंगे ये सुताई, मिला शहर से प्यार भरू खून से सिहाई, मुजफ्फरनगर की ना होड़ होवे भाई भाई।